हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 4 तारीख को मेरा भाई आ रहा है मुझे लेने के लिए। अभी मैंने खाना खाया तो मुझे क्रेविंग हुई, तो मैंने अभी वो खाया है फुल कुमट। अपन वीडियो नहीं बनाई, उसे तो मैं खाती ही रहती हूँ। और मैं ये बोल रही थी, मेरा भाई आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ, बैग वेग में लगा लेती हूँ। मैंने आज अपने बेड शीट भी हटा दी क्योंकि मुझे धोना था। वैसे तो मैं एक हफ्ते में 2 बार मैं बेड शीट धोती हूँ, दूसरी चेंज करती रहती हूँ। ऐसे तो ये सो रहा है, मेरा बेटा सो गया है। मैंने कूलर लगाया हुआ है पर लाइट नहीं आ रही, इन्वेटर से तो ये सब पंखा है, टीवी वगैरह चली रही है, तो फिर इन्वेटर बोलने लगेगा ना, आवाज़ करने लगेगा, ज़्यादा लोड हो जाएगा। तो और बहुत खुशी, आज मैंने भाई से बात की, और फिर मेरी चाची की लड़की की शादी है ना, तो मैंने बात की वहाँ पे, मतलब दावत वगैरह तो सब दे दिए, क्योंकि पहले दावत मायके में देते थे, अब ससुराल मेरे, अब मैं ससुराल में भी दी जाएगी तभी तो ये लोग भेजेंगे मुझे, बिना दावत के कैसे जाएंगे ये सब। तो फिर चाचा का फ़ोन आया था तो बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा, मैंने बोला ठीक है मैं बोल दूँगी, तो ज़रूर आना है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। मैं 3 साल के बाद अपने घर पर जा रही हूँ, जब से मेरी विदा हुई है ना तब से मैं नहीं गई हूँ वहाँ पर। ऐसे बॉम्बे में तो गई हूँ, बॉम्बे में मैं 3-4 बार शादी, मतलब 3 साल में 3-4 बार जा चुकी हूँ, और यहाँ पे नहीं गई हूँ अभी, कन्नौज नहीं गई हूँ, जब मेरा घर है मायका है जहाँ से मेरी शादी हुई है वहाँ पर मैं नहीं गई हूँ, जिस घर से मेरी शादी हुई है, मेरी विदाई हुई थी वो घर पे अभी मैं नहीं गई हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं 3 साल के, ऐसे मैं नहीं जाती, बहुत गर्मी पड़ रही है, पर मेरा मन कर रहा है कि मैं जाऊँ, घूम के आऊँ। सब लोग रहेंगे, बड़े पापा रहेंगे, बड़ी मम्मी रही होंगी, बच्चे बेटियाँ बच्चों के, मतलब बेटियाँ के बच्चे सब लोग होंगे, फिर चाचा चाची रहेंगे, फिर बड़ी चाची छोटे चाचा, मतलब उनके बच्चे, उनके बड़ी बहन, उनकी मतलब ऐसे हम लोग बहुत सारे भाई बहन हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही है, मतलब बड़ी मम्मी के 4 बेटी हैं और 3 बेटे हैं, फिर उनकी और बड़ी मम्मी की 3 बहुएँ हैं, उनके बच्चे मतलब बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं हैं, किसी के 2 हैं किसी के 3 हैं ऐसे कुछ हैं। और फिर जो छोटी चाची हैं, फिर दूसरे नंबर की मेरी मम्मी थी, वो मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, मम्मी होती तो और अच्छा लगता है, मेरी मम्मी नहीं आएंगी, पापा भी नहीं आएंगे क्योंकि गर्मी बहुत है और वो शुगर वाले इंसान हैं, उनको टाइम टेबल पर खाना चाहिए जैसा उनको उनका रोल से, यहाँ पर थोड़ा शादी ब्याह में थोड़ा लेट वगैरह हो जाता है ना इसकी वजह से। तो फिर भाई, मेरे जो बड़ा भाई है उन्होंने मना किया कि आप पापा मत जाओ, छोटे वाले को, जो मेरे 3 भाई हैं तो 2 बड़े तो आ नहीं रहे हैं, छोटा वाला आ रहा है, सबसे छोटा है जो मेरे से, मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगी जब मुझे लेने आएगा, ठीक है। और फिर बाद में कैमरे में देख रही थी कौन आया है, और फिर बाद में वो लेने आ रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी घूम लूँगी। तो वो बोला मुझे कि तुम्हें आना है ऐसे कर, मैंने हाँ आना है, मैं बहुत दिन से गई नहीं हूँ, तो बोली चलो ठीक है मैं कल 4 तारीख को लेने आ जाऊँगा। तो ऐसे तो वो 3 तारीख को बॉम्बे से यहाँ पे पहुँच जाएगा, 2 को निकलेगा, 3 को बॉम्बे से यहाँ पर आ जाएगा, और 4 तारीख को मुझे लेने आएगा। 3 तारीख की रात को भी आ सकता है, कह रहा था कि मैं 3 तारीख को यहाँ पर आ जाऊँगा यूपी में, फिर बाद में मैं क्या पता मैं 3 तारीख को भी आ सकता हूँ तुम्हारे पास, और नहीं आया तो 4 तारीख को तो फाइनली है। मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 तारीख को तो बारात है, वाह क्या मज़ा आने वाली है, मैं पूरा आपको दिखाऊंगी वहाँ पे डांस कैसे करते हैं, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है सब दिखाऊंगी आप लोग को, मेरे यहाँ पे कैसा होता है कैसे, अपना घर भी होम भी बताऊंगी कैसा है कैसा नहीं, ज़्यादा खास नहीं है जैसे गाँव में रहता है वैसे ही, पर बॉम्बे में थोड़ा अलग है, बॉम्बे में बहुत अच्छा है, तो बॉम्बे जाऊंगी तब मैं बॉम्बे का भी आपको दिखाऊंगी मेरा होम वहाँ पे कैसा है कैसा नहीं, ठीक है।
मेरी टेरिस छत वगैरह दिखाऊंगी वहाँ पे, गाँव में कैसे कैसे नहीं वो सब, मतलब हर चीज़ दिखाऊंगी। खेत वगैरह बहुत है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, फिर गाय भी है, भैंस भी है, मतलब बहुत। और जो गोबर गाय रखती है वहाँ पे, जो लेडी से औरतें होती हैं वो कैसे वो बनाती है थेपले जैसे, थप 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 करके फिर चूल्हे में जलाती हैं, वो भी सब मैं हर चीज़ आप लोग को बताऊँगी, ठीक है। और मैं 4 तारीख को जाऊँगी, वो भी दिखाऊँगी। बस मैं ट्रेन में किस में जा रही हूँ वो सब दिखाऊँगी। ट्रेन में तो नहीं जा सकती हूँ, ट्रेन वहाँ तक मतलब नहीं जाती है, बस ही जाती है गाँव में, वहाँ पे जाऊँगी। और मैं मेहंदी वाले दिन नहीं, हल्दी वाले दिन नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा भाई लेट आ रहा है। हल्दी तो शायद 3 तारीख को हो जाएगी, तो वो 3 तारीख को तो यहाँ पर आ रहा है, तो मैं तो 4 तारीख को जा पाऊँगी जब मेहंदी वाला दिन होगा। तो मैं यहीं से मेहंदी वगैरह सब लगा के जाऊँगी, अपना पूरा रूटीन बना के जाऊँगी कि वहाँ पे मुझे झंझट ना करने पड़े, किसी को बोलना ना पड़े यार इधर लगा दो, यार मुझे लगा दो, ऐसे कर, तो झंझट नहीं होगी ये सब। और मेरा बेटा भी है तो वो मुझे कुछ करने नहीं देगा। और यहाँ पर क्या है, मेरी देवरानी वो खिलाती रहेगी और मैं मेहंदी लगवा लूँगी, ये सब होगा, ठीक है। इसके वजह से ये सब मैं झंझट नहीं करूँगी। और 4 तारीख एकदम अंदर से पता नहीं खुशी होने लगती है, अरे भाई आ रहा है, छोटा है मेरे से फिर भी कितनी खुशी हो रही है। और वो भी मेरे यहाँ पर मतलब 2.5 साल के बाद आ रहा है, नहीं आ पाता है, वो लोग सब काम वगैरह रहते हैं ना, वो गाड़ी सिखाता है, ड्राइवर है, मतलब ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर किसी का बनता नहीं है, सबको गाड़ी नहीं सिखाते, लेडीज़ लोग को, जेंट्स लोग को, और सबको गाड़ी वो सिखाता है, सबको ट्रेनिंग देता है गाड़ी सिखाने की, ये सब है, ये काम करता है। और गैरेज का भी मैकेनिक है वो। और जो मेरा दो भाई हैं वो भी दोनों, तीनों मैकेनिक ही हैं, पन दो मैकेनिक करते हैं, मतलब सबसे बड़ा वाला तो सब्जी का उनका है, सब टेम्पो में सब्जी वगैरह भरना, लोडिंग करना, ये सब उनका है। और दूसरा नंबर है वो मैकेनिक है गैरेज का, बाइक वगैरह भी बनाते हैं, सर्विस भी करते हैं, सभी करते हैं। और दूसरा नंबर वे है वो भी बाइक का वगैरह का, उसको सब काम आता है, उसने थोड़े दिन के अपन, उसने अब ट्रेनिंग देता है बाइक 4 व्हीलर सिखाने की, 4 व्हीलर मतलब जिसको सीखना है ऐसे कर, सब उसको गाड़ी वगैरह सब कुछ चलाने आता है। मुझे तो बुलेट आती है, बाइक आती है, और सब प्लेजर है, एक्टिवा है, एक्सेस है, 4G गाड़ी निकली है एक्सेस, वो भी सब मतलब सभी आती, खाली मुझे 4 व्हीलर नहीं आती, मुझे 4 व्हीलर भी सीखना है क्योंकि मेरे घर में सभी सीखे हुए हैं, तो फिर मेरे भाई लोग सीखे हुए हैं तो फिर मुझे तो बनता ही है ना सीखना। तो फिर भाई लोग ने खुद ही बोला था कि सीख जाओ ऐसे कर, और शौक भी था मुझे, तो वो लोग ने मना नहीं किया, सीख जाओ उसमें क्या हुआ। तो मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि जब ये फैज़ है ना स्कूल जाने लगेगा ना, तो आपको मैं गाड़ी दिला दूंगा, तो मैं तो यहाँ पे नहीं रहता हूँ, आपको दिला दूंगा, तो आप इसको ले लेने जाने का, छोड़ने जाने का ऐसे करके। तो मम्मी चलो कवारी की तरह लाइफ हो जाएगी, गाड़ी से जाना, गाड़ी से ऐसे मैं स्कूल जाती थी, तो इसके इसकी वजह से मुझे सीखना पड़ा, रीज़न था। एक पता क्या हुआ वो कीड़ा था, एक येलो कलर का कीड़ा, नहीं मधुमक्खी क्या ऐसे सब कुछ कहते हैं, तो वो ही आ गया था मेरे रूम में, मैं जो काट लिया यार पैर में, और उसको एक को मैंने मार दिया। और मेरे घर पे फुलवारी वगैरह है ना, पौधे वगैरह, इसके वजह से यार कहीं मैं थक गई, इसके वजह उसने मुझे दौड़ा लिया, इधर उधर भाग रही थी, मैंने उसको मार दिया। तो पौधा वगैरह है ना तो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, जब मैं हमेशा मैं मारती रहती हूँ, एक दो मारती रहती हूँ, और मुझे उसने काट लिया कल के दिन पूरा, मुझे उसके वजह से फीवर जैसा भी आ गया था। तो मैं क्या बात कर रही थी, मैं ऐसे बोल रही थी, अब तो फिर भाई आ रहा है ना तो फिर टेंशन नहीं है, मैं उसके साथ चली जाऊँगी घूम फिर के, फिर आ जाऊँगी, ऐसा होगा। कैमरे लगे तो मैं यही भी देखती रहती हूँ। ये मेरा आंगन है, ये देखो फुलवारी, जिसमें फुलवारी वगैरह रखी है वो आंगन है। तो हम लोग यहीं पे मतलब बैठे रहते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है, ख़राब नहीं लगता है। सोचो मतलब हस्बैंड नहीं रहते और वैसा बंद बंद होगा, मतलब बोरिंग लगता है ना, जितना बोरिंग नहीं लगता अच्छा लगता है, फिर हस्बैंड होते हैं तो और अच्छा लगता है ये सब,
कभी उन्हें बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो उन्हें मैं कॉल ही करती रहती हूँ बार 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 बार। वो बोलते भी मैं काम कर रहा हूँ, आप कॉल कर रही हो ऐसे करके, तो भी मैं सुनती नहीं हूँ। इतनी ड्यूटी कॉल करती रहूँगी करती हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा याद आने लगती है, अकेलापन लगता है। फिर फैमिली से बात करो तो कितनी बात करो, ये समझ में नहीं आता। और मेरी मम्मी भी नहीं है, फिर सासू माँ से ही मैं मतलब बात करती रहती हूँ, उनसे भी कितनी बात करूँ अच्छा भी नहीं लगता है। मतलब क्या बात करना है, ऐसा करती रहती हूँ, मतलब जो समझ में आता है वो सब ऐसे। और फिर जो मेरी मम्मी नहीं है वो भी होती, तो उनसे भी मैं क्या बातें करती, नॉर्मल सी, या कैसे हो, बढ़िया हो, यही सब पूछती ना इनसे भी। ये भी, इनको भी जैसे वो मेरी मम्मी थी वैसे ये भी मेरी मम्मी है ही है, क्या है ही वो, है ना। तो फिर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कल मेरा नहीं, 4 तारीख को मेरा भाई आएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। बाय। दुआ में याद रखना, जिससे मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। बाय।